नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सीखो ऑनलाइन डफर स्टेट जी एमपी फिर से दोस्तों आप सीखी पीछे आज लेटेस्ट अपडेट के साथ बात करेंगे 69,000 की तमाम अपडेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप सीखो था पेपर दर्द को लेकर सीबीआई जांच को लेकर दोस्तों मामला हाई कोर्ट के अंदर गया हुआ दोस्तों, उसी क्रम में एजी सर को यहाँ एक बार फिर से जो कोर्ट है बुलाया गया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों सरकार की जो तैयारी 69,000 पदों पर दोस्तों नियुक्ति देने की है जुलाई के अंदर, ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसको लेकर बात करूँगा। साथ में अगर बात करें 69,000 काउंसिलिंग का दोस्तों एक और जो नोटिस है वो जारी हुआ है, डॉक्यूमेंट वापस को लेकर भी दोस्तों बात करने वाले हैं। साथ में हम बात करें यूपीपीएससी की तरफ से दोस्तों जारी किया गया परीक्षा का एक नोटिस, साथ में बात करें यूपीपीएससी की तरफ से दोस्तों यहां पे एक परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित किया गया है। सारी अपडेट को हम कवर करने वाले, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज्यादा जानकारी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं लोकसभा की तरफ से जो परिणाम जारी किया गया है, लेकिन स्लाइड के अंदर यहाँ पर दोस्तों कुछ और लग गया जो कि आप सभी के सामने लव 69,000 जो कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों टेक्निकल एरर की वजह से जैसा कि आपको पता है कहीं पे भी 69,000 देखने के लिए मिलता है वो दोस्तों यहाँ पे आ जाता, तो 69,000 की अपडेट को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी फनी इमेज दोस्तों आपके सामने है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों असली इमेज आप सभी के सामने आ चुकी है जो कि मैं आपको दिखाने वाला था। छोटी छोटी अपडेट है लोकसभा आयोग जिसको हम कवर कर लेते हैं। 8 जुलाई 2020 दोस्तों आप सभी के सामने है। सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा दोस्तों जैसा कि आपको पता है 18/7/2020 को होने वाली, 19/7/2020 को कराई जानी है लखनऊ जनपद के अंदर, जो कि आप सभी के सामने समय देखने के लिए मिल रहा है। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस है वो जारी किया गया जो कि आप सभी के सामने है। क्या क्या किस तरीके से दोस्तों आपको लेकर के जाना नीचे आप सभी देख लेंगे, फोटो वगैरह दोस्तों आप यहाँ देख लें जिसके माध्यम से आपको आने वाले समय के अंदर समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। साथ में लोक सेवा आयोग का जो नोटिस जारी हुआ परीक्षा कराने को लेकर, इससे दोस्तों इतना यह पता चल जाता है कि आगामी समय के अंदर जो परीक्षा होने वाली है वो अपने समय पर ही देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई थी परीक्षा को लेकर। वही अगर बात करें परिणाम भी जारी हुआ है जो कि आप सभी के सामने 8 जुलाई 2020 दोस्तों आप सभी यहाँ देखेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा महिला संवर्ग में दोस्तों आप सभी यहाँ देखेंगे राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर प्रवक्ता संस्कृत की दोस्तों यहाँ बात की जा रही है, जिसमें अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आप देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा दोस्तों 8 पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग की दोस्तों बात की गई है और 701 उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति दोस्तों हेतु आरक्षित पद की दोस्तों 12 पद दोस्तों अनारक्षित पद के आप नीचे देखने को मिल जाएंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों का नाम है। जो जो दोस्तों चयनित हुई अच्छी बात है, जो चयनित नहीं उन तक ये वीडियो शेयर कर। 69,000 को लेकर दोस्तों कल एक सुनवाई और होने वाली, जैसा कि आपको बताया मैंने पहले बताया था उमेश सर की बेंच के अंदर आपको देखने की मिलेगी, जो कि दोस्तों बीएड के खिलाफ याचिका लगी हुई है जिसकी सुनवाई 9/7/2020 आप सभी यहां पर देख सकते हैं। मैंने दोस्तों कई बार इसके बारे में आपको बताया भी है कि मामला दोस्तों क्या है, बीएड को दोस्तों बहाल करने की जो मांग है वो की जाती है, लेकिन सिंगल बेंच और डबल बेंच दोस्तों अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता भी दिया कि इसके अंदर कुछ होने की संभावना भी नहीं है, हालांकि अभ्यर्थी तरफ से लगातार दोस्तों उसको चैलेंज किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इसकी जो सुनवाई आपको देखने की लेकिन दोस्तों आप सभी के सामने है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो भी होगा दोस्तों आपको बता दिया जाएगा। 11वें नंबर पे दोस्तों कॉजेस के अंदर जो मामला है वो लगा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों सुबह 12 बजे तक इस मामले की सुनवाई हो सकती है। बाकी अगर इसको पास ओवर किया जाएगा या कुछ होता है तो दोस्तों इस केस को और भी डिले हो सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है बीएड को लेकर। वही अगर हम बात करें तो वापस आते दोस्तों 69,000 की अपडेट को लेकर, जैसा कि दोस्तों आपको बताया पेपर दर्द का मामला दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा हुआ है, जमीनी स्तर पर भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं, लेकिन पेपर दर्द होना इतना आसान नहीं, मैंने कई बार आप सभी को समझाया भी है। लेकिन इसी क्रम में दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है वो है दोस्तों जांच को लेकर। अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों फर्जीवाड़े वाले अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे, लेकिन जब से जाँच एसटीएफ के हाथ में गई है 11 अभ्यर्थी के बाद में 11:15 भी नहीं हुए हैं ना, 11:30 भी नहीं हुए, 11 के बाद 12 तो बहुत दूर की बात है, मतलब और अभ्यर्थी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने देखने के मिल रहा है। मामला दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर गया हुआ, यहाँ पर दोस्तों सुनवाई होनी है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि आप सभी को पता है कि एजी सर ने इसमें बहस करनी है और एजी सर दोस्तों इतनी आसानी से तो आते नहीं है। आप लोगों ने 2 धरना प्रदर्शन भी दिए थे तब जाकर के वो कोर्ट जो है पहुंचे थे। नीचे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा जो कि लिखा हुआ है एडवोकेट जनरल दोस्तों आएंगे, जो कि आप सभी के सामने पिछली सुनवाई के भी दोस्तों जो है मामला एडजर्न कर दिया गया था, सेम ग्राउंड था, लेकिन फिलहाल दोस्तों इसकी सुनवाई नहीं मिली थी। तो यहाँ पर 2 हफ्ते के दोस्तों लगा दिए गए, मतलब अगले 2 हफ्ते बाद सुनवाई आपको देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने पेपर था 2 सीबीआई जाँच को लेकर, जहां पे एजी सर को बुलाया गया है। अब एजी सर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो दोस्तों आने वाले समय बताएगा। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से निर्देश दिए गए कि सभी मुद्दों पर जाएं, लेकिन ऐसा 69,000 के अंदर पहले भी हो चुका है। वहीं दोस्तों एक और अपडेट है जो कि आप सभी के सामने, जैसा कि आपको बताया कि 69,000 संबंधित दोस्तों दस्तावेज वापस दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हुई है। उनको पता है कि 14 तारीख को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, 16, 17, 18 को दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज वापस किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं, इसका रीजन तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा।
होगा, लेकिन पहले आप देखें दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इटावा। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी वो जाकर के ले सकते हैं। 3/6/2020 को जिनकी काउंसलिंग हो गई थी उन्हीं के में दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिला 16, 17, 18 जुलाई को वो अपने दस्तावेज दोस्तों वापस ले लेंगे। जो अभ्यर्थी वही जाएगा तो बेहतर होगा, कोई दूसरा जाएगा तो नहीं मिलेगा, ऐसी जानकारी यहाँ दी जा रही है। तो इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वापस क्यों दिए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों तमाम चीज़ें आपको देखने मिली हैं। एलटी गेट वालों की काउंसलिंग हो रही है, इस वजह से भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। टीजीटी वालों की हो रही है, वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा टीजीटी वालों की पहले हो चुकी आई थिंक है ना, तो उसमें विद्यालय आवंटन होना है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कुछ लोगों की काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई थी, आधी अधूरी जो काउंसलिंग हुई थी उस क्रम में दोस्तों वापस किए जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसका भर्ती पर दोस्तों कोई प्रभाव अभी तक देखने के नहीं मिला है और ना ही सरकार की तरफ से पूरे 75 जिलों का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जहाँ से सभी के दस्तावेज वापस हो। तो ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ से नोटिस आए आपको सारी जानकारी दी जा रही है, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ये दोस्तों बात हुई थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो ये तो दोस्तों तमाम मुद्दों को लेकर मैंने आपको जानकारी दे दिया। वैसे में दोस्तों हम बात करने वाले 69,000 की रणनीति को लेकर, आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। कल शाम को जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी मिली कि पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से दोस्तों यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। उसी क्रम में दोस्तों आज अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया मैंने आप सभी को बता दिया। लेकिन इसको लेकर कई अभ्यर्थी दोस्तों कमेंट करके कह रहे थे कि सर आपके कहने से ऐसा नहीं होगा। पहले मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को ध्यान से सुना कर आया कि पिछड़ा आयोग की तरफ से स्टे लगाया। मैंने आपको बताया कि पिछड़ा आयोग की तरफ से स्टे लगा दिया है। MRC के अंदर उनका कहना है कि 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। मैंने कहा 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, ऐसा NCBC की तरफ से कहा गया है, ठीक है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है कि यहां अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसे राइट्स नहीं है, वो भर्ती को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मैंने आपको साथ में यह भी तो कहा था पिछले वीडियो के अंदर कि वहां पर मैंने आपको पहले यह भी समझाया कि आयोग के जो राइट्स हैं उनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम दोस्तों आपको जो पोस्ट है वो भी देखने के लिए मिली होंगी। अब ऐसे में जो इंफॉर्मेशन आएगी वही आपको दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं कहूंगा कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा होगा 100%। जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। हर बार दोस्तों अपनी तरफ से जानकारी नहीं दी जाती। मैंने हमेशा दोस्तों आपको बताया कि जो ऑथेंटिक चीजें होंगी वही यहां से दी जाएंगी। अब हो सकता है कुछ के पक्ष में हो, कुछ के पक्ष में ना भी हो। ऐसे तो 40-45 वाले अभ्यर्थी लगातार परेशान होते हैं, लेकिन जब जानकारी 60-65 के पक्ष में आएगी तो वही आपको दी जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर जो कहा गया अधिकारियों की तरफ से, उनका कहना है कि उनके पास जो राइट है वो नहीं है भर्ती रोकने के लिए। लेकिन अगर बात करें अन्य पिछड़ा आयोग की से, पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो दोस्तों यहां पर भर्ती पे स्टे लगाया गया है, उनकी तरफ से यहां पे एक लाइन पूरी स्पष्ट की गई है कि यहां पे जांच के लिए मांगा गया था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से ना तो कोई जांच और ना ही दोस्तों वो स्वयं उपस्थित हुए। तो इस केस के लिए दोस्तों यहां पे ध्यान में रखते हुए भर्ती पे स्टे लगा दिया गया था। लेकिन फिलहाल दोस्तों अधिकारियों की तरफ से ऐसी जानकारी दी जाए, उनका कहना है कि हमारी तरफ से सारी दोस्तों जो डाटा वो सौंपा जाएगा, चाहे वो बात के MRC के संबंध में या फिर दोस्तों बात के आरक्षण को लेकर किस तरीके से आरक्षण फॉलो हुआ है। और मैंने तो लगातार आपसी को ये बात बताई है कि अगर आरक्षण सही तरीके से फॉलो होगा तो भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं है, अगर नहीं हुआ तो भर्ती संपन्न नहीं हो पाएगी किसी की मत पे। अब इसके अंदर दोस्तों आप सभी अगर बात करें, वर्गीकरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो जानकारी होती है वो दोस्तों यहां से आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। मुझे उम्मीद है आपके सारे सवालों को क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसे में लगातार दोस्तों आपको ये चीजें मिल रही वो आपको बताई जा रही है। MRC मुद्दे का दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो दोस्तों आयोग को बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। हाईकोर्ट के अंदर ही मामला गया है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि तमाम मामले लगे हाईकोर्ट के अंदर, सारे इंपोर्टेंट है। कोई भी दोस्तों मामला हो 69,000 वाला हो या फिर 69,000 के अंदर जितने मामले लगे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसे में सरकार की क्या तैयारी, मैं इसको लेकर बात करना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि आज अधिकारियों से वार्तालाप की गई, उनका कहना है कि हमारा जो फोकस है वो 14 तारीख की सुनवाई पर है। 14 तारीख का मतलब दोस्तों सरकार जो फोकस कर रही है वो यही कर रही है कि जुलाई के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाए। लेकिन तमाम अड़चने दोस्तों भर्ती के अंदर लगी रहती है, आप सभी को बताई है। तो उसी के दोस्तों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो 14 तारीख को होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों यहां से राहत मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों यहां से राहत देता, साथ में यह भी कह देता है कि इतने समय के अंदर जो भर्ती है पूरी करनी पड़ेगी, तो जल्द से जल्द दोस्तों जो भर्ती संपन्न हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट सबसे मेन है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, कोई आरक्षण वाला मुद्दा आता है, ऐसे में दोस्तों अगर गलत तरीके से आरक्षण लगाया गया, मैं फिर कहना चाहूंगा वो भी दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों सारी जानकारी दी जा रही है, तो ऐसे में आप सभी को पेशेंस रखने पड़ेंगे। जो जानकारी निकलेगी वही दोस्तों आप सभी को दी जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि यहां पर एक और सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जो कि दोस्तों सबसे ज्यादा
बैतूल बीएड मुद्दे को लेकर कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है, जहां पर दोस्तों आपसी को बीएड के बारे में देखने को मिलेगा। अब ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी मुझसे नाराज थोड़ी होते, मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि बीएड के खिलाफ दोस्तों याचिका लगी हुई है, क्योंकि मैंने उनको कई बार ये बातें बताई हुई हैं कि बीएड यहाँ से भर्ती से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि बीएड की दोस्तों जो भी चीज़ें मेरे पास आई अवेलेबल है। अब ऐसे में तमाम मुद्दे दोस्तों यहाँ पर लगे हुए, पेपर रद्द वाला मुद्दा या फिर जो भी मुद्दा है, सबकी जानकारी दोस्तों आपको लगातार दी जाती है। तो उसी क्रम में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएड मुद्दे की भी सुनवाई होगी, वो भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सरकार की जो तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं वो दोस्तों आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि जुलाई के अंदर नियुक्ति पत्र देने की हैं। बाकी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होने वाली है वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जब तक दोस्तों वहां से राहत नहीं मिलेगी तब तक दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला। तो सरकार का जो फोकस है वो 14 को होने वाली सुनवाई को लेकर है। बाकी दोस्तों आप सभी के सामने आ ही जाएगा कि वहां से राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।